एलोरा का सफर खत्म करने के बाद हम पहुंच गए दौलताबाद किला या देवगिरी किला। एलोरा से देवगिरी किला आने में 25 मिनट का समय लगता है और अगर आप औरंगाबाद से दौलताबाद जा रहे हो तो आपको 35 मिनट का समय लगेगा बाय रोड। अभी आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये है मुख्य दरवाजा जिसका नाम है महाकोट दरवाजा। इस दरवाजे से हम अंदर गए। दरवाजे के सामने यहाँ पे हमें अपना टिकट दिखाना पड़ा। टिकट दिखाने के बाद हम आगे बढ़े और हमारे सामने था बड़ी बड़ी दीवारें। पत्थरों से बनी बड़ी बड़ी दीवारें आज भी उसी तरह से है आज से 900 साल पहले जिस तरह से था। यहीं पे साइड बाय साइड रखा गया है उस जमाने में यूज किया हुआ बहुत सारी तोहफे। उसके बाद हम आगे बढ़े। हेलो गाइस, तो अभी दौलताबाद हम लोग पहुंच गए, दौलताबाद फोर्ट। और यहाँ पे एक मसला खड़ा हो गया है, यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गया है और हम लोगों ने छतरी वतरी कुछ नहीं लाया। तो यहाँ पे आने के लिए टिकट निकालना पड़ता है। एलोरा में भी था टिकट का और यहाँ पे भी टिकट का है, यहाँ पे भी, लेकिन कैमरा का अलग से टिकट निकालना पड़ेगा। कैमरा का जो है ये है कैमरा का टिकट, इसका अलग से 25 रुपीस चार्ज देना पड़ेगा आपको। और पर पर्सन जो चार्जेस है वो 25 है, मतलब मुझे टोटल 50 रुपये देना पड़ा। यहाँ पे बहुत जोरों का बारिश स्टार्ट हो गया है। बारिश बहुत जोरों की हो रही थी इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हम एक जगह पे बैठे थे इस इंतजार में कि बारिश थम जाए और उसके बाद हम आगे बढ़े। कुछ देर इंतजार करने के बाद बारिश रुक गया और हम आगे बढ़े। हमारे सामने था उस जमाने में बना हुआ एक 210 फीट ऊंचा चांद मीनार। 1435 में अलाउद्दीन बहमानी ने इसको बनाया था दौलताबाद किले पर जीत हासिल करने के बाद। ये चांद मीनार असल में जो अपना कुतुब मीनार है दिल्ली का, वो कुतुब मीनार के छोटा भाई है, मतलब कुतुब मीनार के बाद इसका ही नाम आता है भारत का सबसे ऊंचा मीनार में। दौलताबाद किला जो था वो मध्य भारत का सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय किला था जिसको आज तक किसी ने लड़ाई करके हासिल नहीं कर पाया था। हासिल किया था तो सिर्फ छल से और धोखाधड़ी से। पहले तो यहाँ पे राज करता था यादव साम्राज्य, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक और फिर मराठा एम्पायर, ये सब ने राजित्व किया यहाँ पे। बहुत तेज हो गया ना, वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। कुछ देर बाद बारिश फिर से शुरू हो गई और किसी भी तरह हम एक जगह देख के वहाँ पे रुक गए। इस बारिश में चांद मीनार की खूबसूरती मानो और भी ज्यादा बढ़ गई थी। बारिश रुकने के बाद हम फिर आगे बढ़ने लगे। हमारे सामने था एक और दरवाजा। उस दरवाजे को पार करने के बाद हमारे सामने था चीनी महल या फिर चाइना पैलेस। इस चीनी महल को उस टाइम पे औरंगजेब यूज करते थे वीआईपी दोषी को कैद करके रखने के लिए। अब हमारे सामने था एक पुल जिसको सिर्फ एक बार में दो जन ही पार कर सकते थे। ये खाई 80 फीट गहरा और 50 फीट चौड़ी है। इस खाई को पार करने के लिए भारत सरकार ने लोहे और लकड़ी का पुल बनाया है, लेकिन उस जमाने में यहाँ पर चमड़े का बना हुआ पुल हुआ करता था। शत्रु जब इस पुल को पार करने की कोशिश करते तब इस पुल को खींच लिया जाता था और शत्रु नीचे खाई में गिर जाते थे। उस समय इस खाई में मगरमच्छ हुआ करते थे। इसके अंदर बहुत गुफाएं हैं रे, अभी अंदर में कुछ दिखेगा नहीं। कौन सा लाइट? नेचुरल लाइट।
वाह ये तो लग रहा है पेप फोड़ जा रहे हैं हम लोग। क्या था इधर? ये जो आप देख रहे हो ये है भूल भुलैया। शत्रुओं को रोकने के लिए और भ्रमित करने के लिए इस भूल भुलैया को बनाया गया था। यहाँ पे दिन में इतना अंधेरा रहता है कि आपको मोबाइल का टॉर्च जला के अंदर जाना पड़ेगा। पता नहीं शायद यही भूल भुलैया होगा। है रास्ता? वो ये तो पूरा अंधेरा है यार। नहीं यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अंदर में हमें रास्ता ना मिलने के कारण हम बाहर आ गए और साइड में बनी हुई सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। पब्लिक की सुविधा के लिए इन सीढ़ियों को भारत सरकार ने बाद में बनाया। ऊपर चढ़ने के बाद चारों ओर का नजारा बहुत ही खूबसूरत था। हम फिर से आगे बढ़ने लगे। अब हमारे सामने था एक दूसरी गुफाएं। यहाँ पे भी इतना अंधेरा था कि हमें मोबाइल का टॉर्च जलाना पड़ा। मोबाइल का लाइट जला, मोबाइल का लाइट जला। प्लीज सर लाइट ना। सर दिख रहा है क्या लाइट मेरे क्या? मोबाइल का लाइट जला, मोबाइल का लाइट जलाना जा रहा इधर। आ रहे रे पब्लिक, आ रहे उधर अंदर जाके। इसी गुफे के अंदर से आपको ऊपर जाने का रास्ता मिलेगा। ये हाइटेड को नहीं देने वाली। ऊपर रास्ता है? हां मेरे ऊपर। तकरीबन 10 मिनट तक अंधेरे में रहने के बाद हम ऊपर पहुंच गए। दौलताबाद का ये किला जो है वो इतना प्रोटेक्टिव बनाया गया था कि एक गुफे के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे गुफा बनाया गया था ताकि जो भी आर्मी जो भी सेना लोग आ रहे थे शत्रु के वो लोग एक ही बार में इस किले के अंदर ना घुस पाए। वो लोग भ्रमित हो जाए और किसी गलत गुफा में घुस के वो लोग डायरेक्टली वो जो नीचे आपको मैंने पानी दिखाया जिसमें मगरमच्छ थे डायरेक्टली उसमें जाके गिरते थे और फिर मगरमच्छ का खाना बन जाता था। कुछ देर चढ़ने के बाद हम और ऊपर आ गए और यहाँ का नजारा पहले से और ज्यादा खूबसूरत था। पास में ही था मुगलों द्वारा बनाया हुआ बारादरी महल। इस महल को मुगलों ने बनाया था। गर्मियों के मौसम में मुगल कार्यकर्ता इस महल में आते थे अपना वक्त बिताने के लिए। अंदर महल की जगह बहुत ही बड़ी थी और काफी खूबसूरत थी। महल के ऊपर से बाहर का नजारा और भी खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद हम ऊपर चढ़ने लगे। ये था हमारा फाइनल स्टेप। यहाँ पे है दो बहुत बड़ी बड़ी रखी गई तोपें। इसका नाम है काला पहाड़ तोप। यहाँ पे एक और तोप रखा गया है। इसका नाम है दुर्गा या धुलधन तोप, यानी सब कुछ मिटा देने वाला तोप। इस तोप की लंबाई 20 फीट है। हेलो गाइस, तो दौलताबाद का हमारा तो सफर खत्म हो गया।
दौलताबाद हम लोग ने पूरा ऊपर से नीचे से पूरा ऊपर तक घूम लिए। तो आज का ब्लॉग ये ख़त्म हो गया, कल मैं अजंता जाऊंगा तो उसका वीडियो आएगा अजंता का। अगर बीबी का मकबरा गया तो बीबी का मकबरा का एक अलग से वीडियो आएगा।